हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन के बारे में। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी एक एम्बिगुअस ग्रामर है उसको कन्वर्ट करना है अनएम्बिगुअस ग्रामर में, तो वहाँ रिकर्सन यूज़ किए थे लेफ्ट रिकर्सन एंड राइट रिकर्सन। तो अभी उस चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली रिकर्सन क्या है। तो रिकर्सन क्या होता है, ये दो तरह के रिकर्सन होते हैं। एक आपका होता है लेफ्ट रिकर्सन और दूसरा क्या होता है राइट रिकर्सन। ओके, तो जैसे कि वहाँ हमने देखा था कि अगर आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है तो लेफ्ट रिकर्जन यूज़ करते थे, अगर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है तो राइट रिकर्जन यूज़ करते थे। तो बेसिकली लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या है, ए डिराइव्स कैपिटल ए फॉलोड बाई अल्फा स्लैश बीटा। ओके, तो ये क्या होगा आपका लेफ्ट रिकर्जन, दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में, जो वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, अगर ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे वेरिएबल प्रेजेंट है तो ऐसे रिकर्जन को क्या कहते हैं, लेफ्ट रिकर्जन। रिकर्जन बेसिकली क्या है, जैसे अगर इसको प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है देन अल्फा ये इस तरीके से है। तो दैट मीन्स एक फंक्शन फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसी को रिकर्जन कहते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, ये लेफ्ट रिकर्जन है। राइट रिकर्जन क्या हो जाएगा, ए डिराइव्स अल्फा एंड कैपिटल ए स्लैश बीटा। ओके, तो यहाँ क्या है आपका जो वेरिएबल सिंपली क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका लेफ्ट रिकर्जन है, ये राइट रिकर्जन है। राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट पे सिंबल होगा वो अगर इस वेरिएबल के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर सेम है, दैट मीन्स लेफ्ट रिकर्जन। वेरिएबल कैपिटल ए डिराइव्स अल्फा कैपिटल ए, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में जो राइट मोस्ट सिंबल है वो आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल, तो ऐसे रिकर्जन को क्या कहेंगे, राइट रिकर्जन। ओके, तो बेसिकली लेफ्ट रिकर्जन क्या है, राइट रिकर्जन क्या है, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, इससे क्या लैंग्वेज जनरेट हो रही है, एक बार इसको देखते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली बीटा को डिराइव कर रहा है, ए डिराइव्स बीटा। ओके, तो इसमें क्या आएगा, इस लैंग्वेज में क्या आ रहा है, बेसिकली बीटा, नेक्स्ट क्या आएगा, ए डिराइव्स ए अल्फा एंड ए डिराइव्स बीटा अल्फा। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ रही है, बीटा अल्फा, नेक्स्ट अगर इसको लेते हैं फिर से ए अल्फा एंड ए डिराइव्स फर्दर ए अल्फा एंड फॉलोड बाई, यानी इस ए की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ए अल्फा। ओके, और इसकी जगह क्या लिख दिया, बीटा अल्फा अल्फा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, बीटा टू टाइम्स अल्फा देन बीटा थ्री टाइम्स अल्फा एंड सो ऑन। तो इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा स्टार। ओके, तो दैट मीन्स इस प्रोडक्शन से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो क्या होगी, बीटा अल्फा स्टार। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इससे क्या आएगा, ये आपका आ रहा है डायरेक्ट ए कैपिटल ए डायरेक्टली बीटा को डिराइव कर रहा है, तो यहाँ भी बीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए डिराइव्स ए अल्फा एंड कैपिटल ए अल्फा फॉलोड बाय बीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ए ए डिराइव्स अल्फा कैपिटल ए एंड अल्फा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा एंड कैपिटल सॉरी कैपिटल ए की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा। तो दैट मीन्स इससे क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा क्यूब, यानी थ्री टाइम्स अल्फा फॉरवर्ड बाई बीटा एंड सो ऑन। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्टार फॉरवर्ड बाई बीटा। यहाँ क्या आ रहा है आपका, बीटा अल्फा स्टार, यहाँ क्या आ रहा है, अल्फा स्टार बीटा। ओके, तो लेफ्ट रिकर्जन में प्रॉब्लम क्या होगी, लेफ्ट रिकर्जन बेसिकली ये हम जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज में, कि जैसे आपका पार्सर है तो पार्सर दो तरह का होता है, एक होता है आप टॉप डाउन पार्सर, नेक्स्ट होता है बॉटम अप पार्सर। तो नॉर्मली जो टॉप डाउन पार्सर होता है वो इस तरह की प्रोडक्शन को अलाउ नहीं करता है, दैट मीन्स अगर कहीं लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। तो लेफ्ट रिकर्जन क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है, तो ये क्या चला जाएगा आपका इन्फाइनाइट लूप में, कब जाके स्टॉप होना है इसको, यानी ये फंक्शन क्या है फर्दर कॉल कर रहा है, नेक्स्ट कॉल करता ही रहेगा, तो दैट मीन्स ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। ओके, तो टॉप डाउन पार्सर जो होता है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, यानी अगर कोई एक ग्रामर है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे। ओके, तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का क्या तरीका है, तो सिंपली क्या करेंगे, यानी इसका रिकर्जन, यानी दैट मीन्स इसका लेफ्ट रिकर्जन तो रिमूव होगा लेकिन जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो सेम होगी। तो इसको कैसे करेंगे, यानी ए डिराइव्स ए अल्फा, तो दैट मीन्स बेसिकली क्या चाहिए हमको, दैट मीन्स बीटा अल्फा स्टार, ये लैंग्वेज हमें जनरेट करना है और इसको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन ना हो। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको किस तरीके से, ए डिराइव्स बीटा। ओके, अगर ए डायरेक्टली बीटा को डिराइव कर रहा है और इसकी जगह पे एक नया वेरिएबल, यानी यानी इसकी इसको बीटा डिराइव कर लेंगे और अल्फा स्टार,
अलग जनरेट करके इनको कॉन्कैटिनेट करते, तो एक नया वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जांपल ए डैश, तो यहाँ क्या आ रहा है, अगर ए डैश की जगह नल सब्स्टिट्यूट कर दें तो ए डैश की जगह क्या आएगा, सिंपली क्या है, बीटा अल्फा स्टार, ये लैंग्वेज है आपकी, तो अगर इस ए डैश की जगह नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा, तो इसको मतलब क्या आ जाएगा, नल, ओके। और साथ ही साथ क्या चाहिए, अल्फा स्टार, अल्फा स्टार क्या करेंगे, अल्फा फॉलोड बाई ए डैश, ओके। तो दैट मीन्स ए स्टार क्या जनरेट, यानी ए डैश क्या जनरेट कर रहा है, सिंपली अल्फा स्टार, यानी यहाँ क्या, नल अल्फा टू टाइम्स अल्फा, थ्री टाइम्स अल्फा, फोर टाइम्स अल्फा एंड सो ऑन। लेकिन अगर इस ए डैश की जगह यहाँ नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, बीटा। तो ओवरऑल इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी, बीटा अल्फा स्टार, ओके। तो ये क्या है आपका, इसमें लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट था, यहाँ क्या होगा आपका, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर हम लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे तो राइट रिकर्जन ये हो सकता है, दैट मीन्स सिर्फ हमें क्या करना है, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना है। राइट रिकर्जन अगर इसमें प्रेजेंट है तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये प्रोसीजर है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सिंपली फिर से एक बार देख लेते हैं। इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है और इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जब हम लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे तो जो ओरिजिनल आपकी ग्रामर थी, दैट मीन्स ये इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है या ये मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया, उससे भी सेम लैंग्वेज जनरेट होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डिराइस बीटा ए डैश। अब बीटा, बीटा हमें चाहिए क्योंकि इसमें क्या आ रहा था आपका, डायरेक्टली बीटा जनरेट हो रहा था, तो ए डैश की जगह क्या करेंगे, नल सब्सिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा, और इससे क्या करेंगे, अल्फा स्टार जनरेट कर लेंगे, इसकी जगह सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी, लैंग्वेज बीटा अल्फा स्टार, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कि किस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल ई डिराइव्स ई प्लस टी स्लैश टी, ओके। जो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे भी एक अम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करते थे, ये प्रोडक्शन आई थी। तो क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, तो देखेंगे जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में अगर लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट रिकर्जन है, ओके। तो अगर ये लेफ्ट रिकर्जन है तो कैसे रिमूव करेंगे, बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए, इस अगर इसका कन्वर्जन ये है, दैट मीन्स इसको कन्वर्ट किया है, इन दोनों को अगर रिलेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए, ओके। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए, और प्लस टी जो है आपका, प्लस टी ये क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी अगर इस इक्वेशन या इसको एक इक्वेशन अगर अज्यूम कर लें, इसको अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस टी, और बीटा क्या हो जाएगा, टी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बीटा, ओके। यानी ये और ये अगर कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए ये हो जाएगा, अल्फा प्लस टी हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा, टी। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ई डिराइव्स बीटा ए डैश, ओके। तो बीटा क्या है, कैपिटल टी, और ए डैश यहाँ कैपिटल ई है, तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज दैट ई डैश, ओके। तो यहाँ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ए डैश ए की जगह ए डैश, तो यहाँ ई की जगह ई डैश लिख दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ई डैश डिराइव्स नल एंड अल्फा ए डैश, ओके। अल्फा क्या है यहाँ पे, प्लस टी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस टी, और हो जाएगा टी डैश। सिंपली क्या करेंगे, अगर ये एक तरीके से देखेंगे, ये एक फॉर्मूले की तरह, ओके, यानी ये आपकी इक्वेशन है, इसका कन्वर्जन क्या है, इसमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गया, तो सिंपली क्या करेंगे, अल्फा और बीटा कैपिटल ए आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। तो ये एकदम सिंपल में हो जाएगा, सिंपल मीन्स कि यहाँ कैपिटल ए अल्फा बीटा आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या होगा, बीटा ए डैश, तो बीटा ए डैश क्या है आपका, ए डैश की जगह टी डैश लिख दिया, बीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यानी बीटा क्या है आपका, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ भी क्या है, बीटा, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। और सपोज दैट एक इक्वेशन है, एस डिराइव्स कैपिटल एस 01 कैपिटल एस 0s, ओके, ये आपको दिया हुआ है, एंड स्लैश 01। तो ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, तो राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये है तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट रिकर्जन है। तो लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करेंगे, अल्फा बीटा और कैपिटल ए आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, ये भी हो जाएगा कैपिटल ए, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कैपिटल ए के बाद जो कुछ भी बचा होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा, और ये क्या है आपका, बीटा, सिंपल। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ए डिराइव्स
यानी यहाँ क्या है, कैपिटल एस डिराइव्स बीटा ए डैश। तो बीटा क्या है, 0 1 0 1, और सपोज दैट यहाँ हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया एस डैश, ओके। और उसके बाद क्या होगा, ए डैश दैट मीन्स एस डैश विच इज इक्वल्स टू दैट मीन्स विच डिराइव्स नल, और क्या हो जाएगा अल्फा ए डैश। तो अल्फा क्या है, 0 1 0 1, कैपिटल एस 0, कैपिटल एस 0, कैपिटल एस एंड एस डैश, ओके। तो दैट मीन सिंपली क्या करेंगे, अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे इस इक्वेशन पे, अगर ठीक है सिंपली क्या करें, ये सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन है, इसको दो लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और अल्फा बीटा आइडेंटिफाई करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये इजी वे में हो जाएगा, ओके। वैसे खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या अल्फा होगा क्या बीटा होगा कैसे सब्सिट्यूट करेंगे, लेकिन ये अगर अल्फा बीटा और कैपिटल ए के फॉर्म में आइडेंटिफाई करके इसको करेंगे तो थोड़ा और ईजी होगा, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब सपोज दैट दिया हुआ है एल डिराइव्स कैपिटल एल कॉमा एस एंड कैपिटल एल, ओके। ये अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये लेफ्ट रिकर्जन है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल, अगर ये है तो दैट मीन्स ये लेफ्ट रिकर्जन है। तो सिंपली क्या करेंगे, अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई करेंगे और कैपिटल ए, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ओके। अल्फा और कैपिटल एस क्या हो जाएगा, बीटा, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ए डिराइव्स दैट मीन्स एल डिराइव्स बीटा ए डैश। तो बीटा क्या है, कैपिटल एस, और सपोज दैट यहाँ एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए एल डैश, ओके। फिर क्या हो जाएगा, एल डैश डिराइव्स नल, और उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा ए डैश। तो अल्फा क्या है, कॉमा कैपिटल एस एल डैश, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट रिकर्जन था, इसमें अब कोई भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज दैट इस तरीके से दिया हुआ, ए डिराइव्स कैपिटल ए अल्फा वन, ओके, कैपिटल ए अल्फा टू एंड सो ऑन। यानी अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें क्या हो रहा था कि आपका एक ही लेफ्ट रिकर्जन नहीं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में वेरिएबल सिर्फ एक ही जगह था, दैट मीन्स यहाँ क्या आप डिफरेंट डिफरेंट कई सारे वेरिएबल हैं, सो ऑन मीन्स कि मोर देन वन। और सपोज दैट दिया हुआ है कैपिटल ए डिराइव्स, यहाँ नहीं लिखना, इधर लिखना है बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर मोर देन वन प्रोडक्शन है जहाँ लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, तो इसको कैसे हम करेंगे, सेम वे में ऐसे ही करेंगे। सिंपली क्या है, यहाँ बीटा ए डैश था, यहाँ बीटा वन बीटा टू एंड सो ऑन, इस तरीके से किए हैं। तो कैसे कर लेंगे, सिंपली अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ भी लेफ्ट रिकर्जन है, यहाँ भी लेफ्ट रिकर्जन है, ओके। तो कैसे करेंगे, ए डिराइव्स बीटा ए डैश, तो यहाँ क्या है बीटा वन ए डैश, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बीटा टू ए डैश एंड सो ऑन, ओके। बीटा थ्री बीटा फोर एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। सिंपली क्या करेंगे, जितने बीटा होंगे, दैट मीन्स वहाँ सिंगल बीटा था, दैट मीन्स यहाँ एक बीटा था, यहाँ क्या है आपका बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, सिंपली बीटा वन ए डैश बीटा वन ए डैश बीटा टू ए डैश बीटा थ्री ए डैश एंड सो ऑन, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ए डैश डैश सिंपली नल, क्योंकि क्या होगा अगर इसकी जगह पे नल सब्सिट्यूट करेंगे तो कैपिटल ए क्या करेगा, बीटा वन को डिराइव करेगा बीटा टू को डिराइव करेगा, ओके। देन क्या हो जाएगा आपका, अल्फा ए डैश, तो यहाँ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन, ये तो अल्फा वन ए डैश, ओके, अल्फा टू ए डैश एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, अल्फा बीटा कैपिटल ए आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी अगर आपका लेफ्ट रिकर्जन उसमें प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इसको रिमूव कर देंगे लेफ्ट रिकर्जन, ओके।